वेलकम टू रूपा शेखर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? बड़े भाई पापा के साथ। देखिए बड़े भाई, तो मेरे बड़े भाई के इससे पापा जा रहे हैं दुकान, तो उससे पहले थोड़ा वीडियो में आना चाहते थे, तो एक साथ विश करें बाबू को। सुबह तो वैसे विश कर चुके हैं, किसी कर चुके हैं, तो चलिए एक बार हम लोग बाबू को विश करते हैं अच्छा से। हैप्पी बर्थडे टू यू हेलो गाइस, आज बाबू का बर्थडे है ठीक, और मम्मी बाबू और दीदी मंदिर जा रही है, मंदिर जा रही है और दिल्ली जा रही है, ये दुकान जा रहे हैं। चलिए बाय कीजिए, बाय कीजिए, बाय कीजिए, बाय। तभी पूजा की सब तैयारी हो चुकी है, अभी चलिए मंदिर चलते हैं। बोलो डैडी, चले मंदिर पूजा करने। और आप लोग बताइएगा बाबुल न्यू ड्रेस में कैसा लग रहा है? बाबुल एक बार अपना पूरा लुक दिखाओ। चलो मेरा बाबुल हाय हाय, खाता है पीता कहाँ से जाता है, इसका क्या पता सारा खाना किधर जाता है। सोना जल्दी आओ, घर का चाबी लो। बार बार दिल ये गाए तू जियो हजारों साल, ये मैं मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे। नाश्ता लेके आती हूँ मैं, क्योंकि बहुत भूख लग रहा है। बहुत जोर से लगा है ये स्टाइल देवानंद का था। ओ ऐसे करके देवानंद का कितना हंस रहे, ये पुराना हीरो हीरो नहीं है क्या? जानने गई, हम जानते हैं देवानंद स्टाइल, राजेश खन्ना ओ करके। ये भूख लगा है सोना को, सोना भूख लगा है ना। ये सब बाबुल के पसंद का मटर कचौड़ी, ये तो बाबुल के पसंद का है। रसगुल्ला, ये है काबली, ये खीर। बाबुल अपना प्लेट लाया, खाए करना। चलो खीर का शुभारंभ चम्मच के लाए, मेरे हाथ से खा लो। मीठा है ठीक है, मजा है ना, जिसका बर्थडे है सो कितना मजा है ना, इतना तो मेरी मम्मी भी नहीं करती थी। चल थोड़ा सा काटना है ना, ज्यादा मत काटना और लेके आ खाएगा तो कि। सो गाइस अभी हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि बहुत जोर से भूख लगा है, सोना भूख लगा है ना। कचौड़ी खा के बताते हैं कैसा हुआ। आप लोग मुंह खोलिए, जल्दी आ देना।
मैं खा लेती हूँ, आप खाओ या मैं खाओ, बात बराबर है। बहुत जोर से भूख लगी है। एक नंबर बनाए फिर। तुम छेना का कुछ मिठाई बनाने वाले थे? छेना का क्यों, तो मिठाई मंगवा देते और मिठाई का जिसका तुम बोली थी ना बनाएंगे छेना खीर, खा देते हैं दोपहर का, फिर खाना में हाथ देना। इसके बगैर हर काम अधूरा है, जब तक इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे हर काम में बाधा पड़ेगा, इसीलिए सबसे पहले घर में फ्रिज में ये पेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अब लग गए हैं हम दोपहर के खाने में। सुनो, तुम हेल्प के लिए आई है? ओह महारानी जी, हेल्प के लिए आई है। सुनो तुम अपना चेहरा दिखा देना, तुम हेल्प के लिए आई है? हाँ हेल्प करेगी। ठीक है सुनो, थोड़ा दाल चमका दो। चलो सोना दाल छनका दो। सोना बाबुल का फेवरेट डिश बन रहा है, ये फ्राई हो चुका है, प्यूरी रेडी है। क्योंकि अगर इसको अगर हम फ्राई नहीं करेंगे ना तो बाबुल उसमें सात नुस्ख निकालेगा, बोले कि मम्मी उसको फ्राई क्यों नहीं की, इसीलिए उसका भी फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर प्यूरी रेडी है, फिर आगे का प्रोसेस है। दोपहर के लिए चावल दाल भी बना है। जी हाँ, चावल दाल भी बना है और बाबुल के पसंद का भी बनेगा, भींगा के रखा हुआ है। सेंट तो बहुत अच्छा है क्योंकि गोविंद भोग चावल है ना, तो उसका सेंट बहुत अच्छा है। सोना इसको थोड़ा सा फ्राई करो, कुछ तो करो सोना, कुछ तो करो। ये बाल खोल खोल के नहीं घूमना, नहीं तो जितना भी हेयर फॉल होगा ना सब मेरे किचन में होगा। बोल बोल बोल, हेयर फॉल होगा कि नहीं बताइए? टीवी सीरियल थोड़ी ना है कि हेयर खोल के तुम किचन में आ जाओगी। बोलिए, किचन में आना चाहिए, अपने हेयर्स खोल के किचन में आना चाहिए, आप लोग बताइए। टीवी में गिरता भी हो तो उठा देता हूँ। तभी ये फ्राई करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का सा। सुनो तुमको दाल छनका ना आता है बेटा? बेटी का ही सब आता है। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता चल गया कि सोना को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन उसको दाल छनकाना आता है। तो अगर कभी हम घर पे ना रहे ना तो अपने इसके पापा भात दाल सब्जी सब बना लेंगे, पर ये दाल छनकाने वाला काम ये कर लेगी। हमको अपने में बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम कर सकते हैं। सॉरी गाइज, आप लोग से रेसिपी शेयर तो हम नहीं किए, पर हाँ ये रेसिपी शेयर नहीं किए मतलब ये जो प्यूरी है ना, ये प्यूरी हम तैयार कर चुके हैं। तो ये प्यूरी वो क्यूब कटी हुई प्याज, दो टमाटर, दो छोटे इतने बड़े बड़े प्याज, दो टमाटर, दो मिर्ची, चार पांच लहसुन और थोड़ी सी एक इंच अदरक का टुकड़ा, उसको फ्राई करके फिर उसको हम ग्राइंड कर लिए हैं। बस इतना सब तो करना है, ज़्यादा थोड़ी ना कुछ करना है। फिर आके चल हुआ ना, बंद कर देना। बंद मत करना, अरे तेरा कुप बंद मत करना, मार रहा है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चलो चलो चलो, उसको जाओ उसको छनकाओ, इसमें है दाल, उसको पता भी नहीं है दाल कहाँ है। सीख गई ना, सीख गई ना? I'm expert। ठीक है, गलतफहमी में रहो, जिंदगी भर रहो गलतफहमी में, इसका गलतफहमी हम कभी नहीं दूर करने वाले। आज बाबुल भी येलो पहना, आज बाबुल की मम्मी भी येलो पहनी, बाबुल की दीदी ब्लू पहनी है। क्यों, तुम्हारे पास येलो ड्रेस नहीं है? पापा को भी येलो पहना देती, पूरा फैमिली येलो। कहाँ येलो फैमिली? येलो फैमिली नहीं ना हुआ। और ये आज बाबुल का सुबह से ही, आज बाबुल का सुबह से ही बहुत सारा फोन आया, अभी तक आ रहा है, तो सबको विश कर रहा है, कितना अच्छा है ना। सुबह से सबसे पहला विषय था संगीता मैम का, मेरी फ्रेंड्स भी उसको विश कर रही है, बाबुल के फ्रेंड्स भी उसको विश कर रहे हैं। उसके मामा घर से उसका कॉल आया, उसकी मामी मामा का बेटा बेटी सबको उसको विश किया, उसकी मौसी लोग विश की, मौसी की बेटी लोग विश की। हाँ तो चलो हाथ स्लीप करने से ना मेहमान आते हैं, मेहमान आ चुके हैं फिर भी हाथ स्लीप हो रहा है।
शायद और अभी आने वाले हैं। क्या पता मोना मासी आ जाए। मोना मासी सरप्राइज। चलो चलो चलिएगा। क्या बोल रहे चाचू? पापड़ तला गया है, भैया को खाने देना। सब कुछ रेडी है, जीरा डाल दिए हैं इसमें, अब इसमें प्यूरी डालेंगे। हेलो। लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा हल्दी, इतना धनिया और इतना सा किचन किंग गरम मसाला लास्ट में। भूख लगा है सुना तो पापड़ चल लो ना खा लेगी इतना अच्छा साथ तुम खा लेगी। सब्जी देंगे आलू बैंगन का? आलू बैंगन हम नहीं खाते। तो सुनो ना पापड़ छानने की तो छान लो। दीदी खाने के चक्कर में ना मोबाइल तो पकड़ने में प्रॉब्लम होता है। सुना कितना गर्म मसाले थे, हल्का ही ना थे बाबू। धनिया पत्ता खाएगा कि नहीं हम नहीं जानते, पर हम डाल दिए। खाने का तो नहीं खाएगा, वो छाट के हटा देगा। अब जो करेगा धनिया पत्ता छाट सकता है वो। फिलहाल तो बन गया, हम दोनों भाई बहन बहुत महान है। बन गया। अब मुझे पता है बाबू घी नहीं खाएगा, पर घी तो हम डालेंगे। कुछ नहीं खाएगा तो होगा, खाना ही पड़ेगा। घी नहीं खाएगा, मम्मी गरम मसाला मत दो, उसको हर चीज़ से प्रॉब्लम है। हल्का सा गरम मसाला देंगे पर देंगे। चावल रेडी है। मैं पुलाव सिंपल तरीका से बनाती हूँ, तो सिंपल तरीका बस इतना ही, एकदम सिंपल। हल्का सा नमक, हल्का सा, ज्यादा नहीं। इसे फ्राई करके और गरम पानी का इस्तेमाल करेंगे। बाबुल का लंच आओ खिला दें, थोड़ा सा हम खिला दें। वेरी टेस्टी। खाओ लो, अब अपने हाथ से खाओ। और क्या चाहिए बता? सोना एक तो मीठा ला के दे तो बाबुल को। मेरा फोन क्या? इधर पकड़। सर तू बार बार तुम रसगुल्ला, एक तो और पापा को ला के देता। आपको भी चाहिए? अब नोट हम मंगवाए ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दे हाँ, इसमें कुछ दो। रियल में टेस्टी हुआ है, बहुत ज्यादा टेस्टी हुआ है। दो। क्या दे आपको? सब्जी। सुनना पापा को ला दो। तो फ्रेंड आया है, कौन, क्या नाम है? प्रियांशु। प्रियांशु आया है, इसीलिए प्रियांशु मीठा कर रहा है।
तो बाबुल प्रियांशु से बात करो। कितना शर्मा रहा है। काटो केक। हम लोग का केक आ गया। देखिए ये है बाबुल का मस्त केक। अच्छा लग रहा है। बाबुल इसको काटेगा। बाबुल Happy birthday to you. Happy birthday. Birthday song तो तुम गाओ ना थोड़ा सा। Happy birthday. ऐसा मत बोलिए। अरे कहाँ से चला गया आपका। मैं हम ही जा रहे हैं। थोड़ा देर रहने दो। बस हो गया। केक खा के मन भर गया। नहीं और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ कोशिश करूंगी कल का ब्लॉग इंटरेस्टिंग हो। तो आप लोग जो भी व्यूज है वो लोग बिना सब्सक्राइब किए एकदम मत जाइएगा। सब्सक्राइब लाइक कमेंट प्लीज भर भर के कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और आपके कमेंट का हम जवाब भी देंगे। सो प्लीज कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी फैमिली को इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।